नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। बुलंदशहर के खास प्रोग्राम कौन बनेगा सरपंच में ढकोली के सरपंच बने सहना पत्नी इस्तकार। खास बातचीत संवाददाता यहया खान की, क्या थे चुनावी मुद्दे जिसके बल पर दोबारा बने प्रधान इस्तकार। ग्रामीणों ने बताया कि विकास के नाम पर दोबारा सरपंच बने इस्तकार। खास बातचीत में इस्तकार ने बताया, मेरे जो अधूरे विकास कार्य रह गए थे मैं उन्हें पूरा करूंगा, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जिस तरह मैंने 5 साल में गांव में जी तोड़ विकास किया, इस बार भी इसी तरह से विकास करूंगा। और क्या कुछ खास कहा ग्रामीणों के लिए, देखें इस खास रिपोर्ट में। भारत रफ्तार न्यूज के खास प्रोग्राम कौन बनेगा सरपंच के तहत हमने तमाम प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात कराई थी, रूबरू कराया था, जो तमाम वादों की टोकरियां सर पर रखकर चुनावी रण में थे। अब फिलहाल नतीजों ने तय कर दिया है कौन बना है सरपंच। हमारे साथ मौजूद हैं इस्तखार, उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। ढकोली गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, भारत रफ्तार न्यूज़ की टीम इस वक्त ढकोली में मौजूद है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे जो जनता से वादे किए थे, क्या उन पर खरे उतर पाएंगे और किन मुद्दों को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा था। मैं सहयोगी से कहूँगा मेरे साथ आएँ और हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान जी, बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। प्रधान जी, मेरा सवाल ये है कि अभी फिलहाल चुनाव हो चुके हैं, नतीजे खुलकर आ चुके हैं, विजयी आप बन चुके हैं, क्या वो मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर आपने चुनाव लड़ा था? सबसे बड़ा मुद्दा था विकास का। विकास का मुद्दा? जी जी, विकास के मुद्दे पे ही हम दोबारा आए हैं और गांव वालों ने हम पर भरोसा किया है। जो हमने पहले विकास कराया था पहली योजना में, उसे देख करके गांव वालों ने भरोसा किया है और मैं गांव वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। समर्थन आपको मिला था, अब गांव के अंदर जो है खुशी का माहौल भी है, अब क्या लगता है जो जनता ने दोबारा आपको चुना है, आपके विकास कार्यों को देखते हुए क्या जो अब उनकी मंशा है उन पर पूरे खरे उतर पाएंगे? जी जी, पूरी कोशिश रहेगी हमारी तरफ से कि हम हर किसी का काम आए। जो भी किसी की समस्या है, राशन कार्ड की, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, विकास कार्य तो हमने पहले भी किया और अब भी करेंगे, लेकिन उसके अलग से कोई भी और समस्या है उसके लिए भी हम पूरी तरह दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे, आपके गांव में कितने गांव आपके स्कूल है या नहीं है? शिक्षा के लिए थोड़ा हमारा लेवल गांव का थोड़ा डाउन है, लेकिन उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंटर कॉलेज हमारे गांव में बन जाए। तो शासन द्वारा हम पूरी वो करेंगे कि शासन हमारी सुने और यहाँ इंटर कॉलेज बन जाए, तो उससे जो है पढ़ाई के मतलब उसके शिक्षा के मामले में थोड़ा लोग आगे रुचि लें। अच्छा, शिक्षा जो है आपको मालूम है कि देश के अंदर जो है ज़रूरी है, क्योंकि जो अगर गांव से अगर बच्चे पढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं कहीं ना कहीं। अब से पहले प्रयास किया था शिक्षा को लेकर कुछ नहीं? जी जी जी, असल में थोड़ा शासन की तरफ से थोड़ा ढील है। जो इंटर कन्या इंटर कॉलेज बना हुआ है वो भी आज तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, हमने बहुत सारी एप्लीकेशन दी हैं, अब उसमें पुताई सफाई तो करा दी लेकिन बाउंड्री आज तक नहीं हुई उसकी, और ना ही उसमें आज तक जो है मतलब शिक्षा के वो जो है जो होनी चाहिए थी वो चालू हुई। तो थोड़ा सा आप भी इसके लिए हेल्प करें हमारी कि वो उसमें जो वो कॉलेज चालू हो जाए बाउंड्री होकर के, तो इससे थोड़ा गांव के लिए जो बढ़िया रहे। तो अभी देखिए आपके सामने ही हमने बात की शिक्षा के बारे में, तो बोल रहे हैं यहाँ पर है स्कूल है लेकिन अभी वो पूरे तरीके से कन्या इंटर कॉलेज है, अभी वो पूरे तरीके से चालू नहीं है, बाउंड्री वगैरह हुई हुई है उसकी, बस अभी वो पूरे तरीके से चालू नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं कह रहे हैं अगर ये चालू हो जाए तो कहीं ना कहीं और भी विकास होगा और जो गाँव के रहने वाले बच्चे हैं वो पढ़ेंगे और आगे कहीं ना कहीं देश का भविष्य बनेंगे। और क्या वो मुद्दे थे जिनको लेकर आपने दोबारा इलेक्शन में लड़े हैं उनके बारे में ज़रा बता दीजिए? जो मुद्दे थे असल में हमारे गांव के जो है ज़्यादातर जो है 90% लोग मजदूरी हैं, 10% लोग हैं जिनके पास खेती वगैरह ठीक ठाक है, बाकी 90% लोग मजदूर टाइप के ही हैं। अभी आपसे रूबरू कराया हमने पीस गांव के प्रधान इस्तखार अली से, अब जनता से बात करके समझने की कोशिश करेंगे आखिर उनके क्या पूर्व में ऐसी अच्छाइयां देखी, क्योंकि पहले भी 5 साल के लिए प्रधान रह चुके हैं, क्या उन्होंने अच्छाइयां देखी और क्या उनके खास ऐसे कार्य थे जिनको देखते हुए उन्होंने दोबारा उनको अपने लिए सरपंच बना दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है? मेरा नाम हामिद है। हामिद साहब, ये बताइए पहले आपके यहाँ से 5 साल रह चुके हैं, फिर से आपने दोबारा इस्तखार अली को चुना है अपने प्रधानी पद के लिए, क्या वो मुद्दे थे, क्या उन्होंने ऐसे विकास कार्य कराए थे जिसकी वजह से इस वक्त में गांव ढकोली की जनता के दिल पर ये राज कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि अब से पहले के भी प्रधान रहे थे
और हमने जो होशिमाला अपनी प्रधानी में देखा कि हमारे गांव का विकास बिल्कुल ही डाउन था बहुत ज़्यादा। आमिर साहब, अब आपको कैसा लग रहा है जो आपने चुना था, जिनको आप चाहते थे वो प्रधान आपके बन चुके हैं, कैसा महसूस? उनका काम अच्छा लगा, मैं काम अच्छा लगा इसलिए आपने दोबारा उनको चुना है, क्या उम्मीदें हैं? और काम सब कुछ अच्छा लगा, मैंने पूरे गाँव में काम अच्छा लगा, पूरे गाँव में हाँ पूरे गाँव को अच्छा लगा। इनका काम जो तीनों दोबारा बुलाए, फिर वोट गिर गए, फिर जिताई, पूरे गाँव नहीं जिताए इनकी। तो ये थे गांववासी जिनसे हमने बात की है, अभी प्रधान जी से भी बात की, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जनता ने मुझे फिर से चुना है क्योंकि मैंने विकास कार्य यहां पर बहुत से किए हैं और आगे भी करता रहूंगा, बल्कि जनता का तो यहां तक भी कहना है कि आइंदा भी हम उनको ही अपना इस्तखार अली को ही प्रधान देखना पसंद करेंगे। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी जो जनता ने ख्वाब देखे हैं, क्या इस्तखार अली उनको पूरा कर पाएंगे। कैमरा पर्सन शुएब के साथ मैं यहाँ खान, भारत रफ्तार न्यूज़, बुलंदशहर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।